दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों आज एक बार फिर द बॉलीवुड फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बॉलीवुड की एक रोमांटिक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म जो किशोरावस्था के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ना 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 दोस्तों, आप दिमाग पर जोर मत डालिए, मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म का नाम है बॉबी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म बॉबी 1973 में रिलीज हुई थी। बॉबी फिल्म के साथ ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने बॉलीवुड में युवा प्रेम के लिए बार सेट किया था। बॉबी फिल्म का वो सीन जिसमें बच्चे से ये कहा जाना कि उस वक्त बहुत अनोखी बात थी, खासकर भारत में। दोस्तों कहा जाता है विलियम शेक्सपियर की कहानी रोमियो जूलियट से प्रेरित होकर लिखी गई थी फिल्म बॉबी की कहानी। हम तुम दोस्तों, जब बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी तो इसे देखने के लिए युवाओं में होड़ मच गई थी। बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए थे। यहाँ तक कि समीक्षकों के द्वारा भी फिल्म बॉबी को बेहद पसंद किया गया था। बॉबी फिल्म के टाइटल रोल में कमसिन डिंपल कपाड़िया ने अपनी अदाओं से उस वक्त के नौजवानों को दीवाना बना दिया था। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। 70 के दशक के नौजवानों ने पहली बार देखा था बॉबी की खूबसूरती को, मतलब मदहोश कर देने वाली मात्र 16 वर्ष की डिंपल कपाड़िया को, वो भी शॉर्ट स्कर्ट्स, मिडरिफ एक्सपोजिंग ब्लाउज और एक सीन में टू पीस ऑरेंज बिकनी में। दोस्तों आप ही बताइए, ये मासूम नौजवान दर्शकों के ऊपर कह ढाना नहीं तो और क्या था। और दूसरी तरफ ओवरसाइज सनग्लासेस, रंगीन मफलर और फ्लेयर पैंट्स में ऋषि कपूर। दोस्तों इन दोनों नवोदित कलाकारों के युवा प्रेम और उग्र हार्मोन के गैर न्यायिक चित्रण को निर्देशक राज कपूर ने बहुत ही खूबसूरती से फिल्म बॉबी में पेश किया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो युवा दर्शकों के ऊपर फिल्म बॉबी का खासा असर पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, बॉबी फिल्म का निर्देशन और निर्माण राज कपूर ने किया था। कहानी का अर्थ है ख्वाजा अहमद अब्बास। पटकथा लेखन का काम वीपी साठे और ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा किया गया था। संवाद लेखक थे जैनेन्द्र जैन, छायांकन राधु कर्मकार और फिल्म बॉबी को संपादित किया था खुद राज कपूर ने। दोस्तों बॉबी को बेहतरीन फिल्म की श्रेणी के शीर्ष पर पहुंचाने में उसके संगीत पक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहा। फिल्म बॉबी को सुमधुर गीतों से सजाने वाले संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और विठल भाई पटेल ने। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए बॉबी फिल्म में कुल 8 गाने थे जो इस प्रकार है। हम तुम एक कमरे में बंद हो, मैं शायर तो नहीं, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तू। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, आग बराबर दोनों, ना मांगू सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के, झूठ बोले कौवा काटे, अखियों को रहने दे, ए फसा। और दोस्तों बॉबी के इन सभी गानों को अपना स्वर देकर कालजयी बना देने वाले गायकों की फेहरिस्त में लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह, मन्ना डे और नरेंद्र चंचल जैसे नाम शुमार हैं। बॉबी फिल्म का निर्माण करने वाली प्रोडक्शन कंपनी थी आरके फिल्म्स और फिल्म के वितरण का कार्य भी आरके फिल्म्स ने ही की थी। दोस्तों आपको बता दें, बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी 28 सितंबर 1973 को और फिल्म की लंबाई थी 169 मिनट की। आखिर आपने सोचा कैसे? दोस्तों आज आपको जानकर हैरत हो सकती है, उस वक्त बॉबी फिल्म को बनाने में खर्च आया था मात्र 1,40,00,000 रुपए के करीब और बॉक्स ऑफिस का अनुमानित कलेक्शन था 31 करोड़ रुपए। दोस्तों बॉबी फिल्म के दोनों नवोदित कलाकार ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया को लीड रोल में लॉन्च किया गया था। इनके अलावा बॉबी को यादगार फिल्म बनाने में जिन कलाकारों के योगदान है उनमें दुर्गा खोटे, राजा बच्चा नहीं, सीनियर कैमरे का इम्तहान लेकर आया है, प्राण, हाँ मम्मा आओ लवा सीता, प्रेमनाथ जाएगा, हाँ तुम करोगे ना मुझसे शादी, फरीदा जलाल,
अरुणा ईरानी और प्रेम चोपड़ा प्रमुख हैं। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। दोस्तों, बॉबी फिल्म में अमीर गरीब संघर्ष के साथ किशोर रोमांस की शैली को बॉलीवुड में पहली बार पेश किया गया था, जो दर्शकों के साथ साथ फिल्मी पंडितों को भी खूब भाया था। उस वक्त दिग्गजों की माने तो ये फार्मूला ट्रेंड सेटर बन गई थी। बाद के वर्षों में इस कथानक से प्रेरित होकर कई फिल्में बॉलीवुड में बनाई गई। दोस्तों, आपको बता दें, इंडिया टाइम्स मूवीज ने बॉबी को टॉप 30 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में स्थान दिया था। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, निर्देशक राज कपूर को बॉबी फिल्म से अपार सफलता मिली। वहीं उन पर आरोप भी लगते रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर की जगह डिंपल का पाड़िया को फिल्म में बेहतर ट्रीटमेंट देकर पेश करने में अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित किया। दोस्तों, अब इसमें सच चाहे कुछ भी हो, पर ये 100% सच है कि बॉबी फिल्म से ऋषि कपूर के लिए स्टारडम का सफर शुरू हुआ। आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है, पीछे कोई डाकू लुटेरा। बॉबी के बाद ऋषि कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 16 साल की डिंपल कपाड़िया राज कपूर के दोस्त चुन्नी लाल कपाड़िया की बेटी थी। चुन्नी लाल कपाड़िया बेहद धनी गुजराती उद्यमी थे। डिंपल कपाड़िया का जन्म, पढ़ाई लिखाई सब मुंबई में ही हुए। ऋषि कपूर की भावी पत्नी नीतू सिंह और पाकिस्तानी गायिका नाजिया हसन सहित कई अन्य लड़कियों के ऑडिशन के बाद राज कपूर ने बॉबी फिल्म के लिए डिंपल कपाड़िया को चुना था। दोस्तों, फिल्म बॉबी के रिलीज से पहले ही डिंपल कपाड़िया पर उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना ऐसे रिझे कि शादी का प्रपोजल ही दे दिया। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली डिंपल के लिए राजेश खन्ना का प्रपोजल किसी सपने जैसा था, इसलिए ना कहने का तो सवाल ही नहीं था। बॉबी की शूटिंग के दौरान ही राजेश डिंपल की शादी भी हो गई। रातों में मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। आप देख रहे हैं द बॉलीवुड फाइल्स। दोस्तों, बॉबी फिल्म से जुड़ी बहुत सारी मजेदार बातें अभी आपके सामने और आने वाली है। आप बस कुछ मिनटों के लिए हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों, जिस सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए कभी डिंपल उनके बंगले के बाहर खड़ी थी, वही जब हम सफर बन जाए तो सपने सच होने जैसा ही एहसास होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। और फिर बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही डिंपल प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, राजेश खन्ना ने शादी के साथ ही ये शर्त रख दी थी कि डिंपल फिल्मों में दोबारा कभी काम नहीं करेंगी। इस वजह से डिंपल कपाड़िया ने 11 सालों तक फिल्मों से दूरी बनाकर रखा, लेकिन इसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाई। फिल्म सागर से डिंपल कपाड़िया ने फिल्मी दुनिया में दोबारा कदम रखा। दोस्तों, राज कपूर बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर के लिए बिल्कुल नई आवाज की तलाश में लगे थे। कोई उपयुक्त आवाज उन्हें मिल नहीं पा रही थी। काफी जद्दोजहद के बाद आखिर में राज कपूर ने ऋषि कपूर की आवाज के लिए शैलेंद्र को सुनिश्चित किया। मैं दुश्मन तो नहीं। लेकिन डिंपल के लिए बॉबी के हर गाने में लता मंगेशकर थी। लता जी उस वक्त 40 साल की थी जब उन्होंने 16 साल के डिंपल कपाड़िया के लिए गाया था। दोस्तों, बॉबी से पहले किसी बात से नाराज होकर लता मंगेशकर ने राज कपूर के साथ अपने सारे संवाद बंद कर दिए थे और उन्होंने राज कपूर की पिछली फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए गाने से मना कर दिया था। राज कपूर के अनुसार मेरा नाम जोकर की असफलता के कारणों में से एक कारण उनकी प्रेरणा की आवाज का न होना भी था। दोस्तों, अब राज कपूर फिल्म बॉबी को लता मंगेशकर की आवाज के बिना नहीं बनाना चाहते थे। लता जी की आवाज के लिए परेशान देखकर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राज कपूर और लता मंगेशकर के बीच सुलह कराया था। दोस्तों, बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर की खूबसूरत कुंवारी जवान दोस्त का किरदार अरुणा ईरानी ने निभाया था। आपको बता दें, ये चरित्र उस वक्त अभिनेत्री रेखा को ध्यान में रखकर लिखा गया था, पर रेखा को किरदार पसंद नहीं आया, इसलिए इसे स्वीकार करने से उन्होंने मना कर दिया था। फिर कई सालों बाद फिल्म धर्म करम में रेखा ने राज कपूर के निर्देशन में काम किया। दोस्तों, बॉबी फिल्म में एक सीन है जिसमें अरुणा ईरानी ऋषि कपूर को बाथरूम से नग्न अवस्था में निकलते हुए पकड़ लेती हैं। सीन करते वक्त ऋषि कपूर असल में न्यूड थे। रणवीर कपूर ने भी अपनी डेब्यू फिल्म सावरिया में न्यूड सीन किया था। दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए, बॉबी फिल्म न सिर्फ सन 1973 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही, बल्कि 70 के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। दोस्तों, बॉबी फिल्म एक तो यौवनोन्मुख प्रेम प्रसंग पर आधारित थी, ऊपर से कहानी का ताना बाना भी बहुत ही खूबसूरती से बुना गया था। दरअसल हिंदू और अमीर परिवार के 18 साल के बेटे राजा और उसके गरीब और कैथोलिक संरक्षिका की 16 वर्षीय पोती बॉबी की प्रेम कहानी के माध्यम से राज कपूर ने खुद को आर्थिक संकट से उभारने का बीड़ा उठाया था और इसमें बेहद अच्छे परिणाम के साथ राज कपूर ने सफलता भी हासिल की थी। दोस्तों, बॉबी फिल्म की बात करते हुए ऋषि कपूर ने एक बार हंसते हुए कहा था कि लोगों का मानना था कि राज कपूर ने यह फिल्म उन्हें लॉन्च करने के लिए बनाई थी,
परंतु सच तो यह है कि उन्होंने बॉबी खुद को कर्जों से मुक्त करने के लिए बनाई। बॉबी फिल्म अत्यंत सरल और सहज थी, किंतु इसके बावजूद ये फिल्म इतिहास रचने में सक्षम रही। दोस्तों, एक और इंटरव्यू में बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत करते हुए खुद ऋषि कपूर ने बताया था कि बॉबी आर के स्टूडियो के लिए शानदार रही। मेरा नाम जोकर के विफल होने से स्टूडियो को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर बॉबी की वजह से आर के स्टूडियो की प्रसिद्धि और गौरव वापस लौट पाया था। बॉबी ने उस जमाने में यूथ जनरेशन को रोमांस की परिभाषा समझाई थी। हालांकि उस जमाने में टीनेज लव स्टोरी को पर्दे पर दिखाना एक बड़ा रिस्क था। कोई नहीं जानता था ऑडियंस इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। दोस्तों, सभी को पता है मेरा नाम जोकर बनाकर राज कपूर ने खुद को आर्थिक संकट में फंसा लिया था। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में गिरने के बाद भी जो इंसान हौसला नहीं खोता, उठने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, वो एक दिन जरूर उठता है और दौड़ता भी है। राज कपूर ने भी मेरा नाम जोकर के नुकसान को बॉबी से पुनः हासिल कर दुनिया के सामने अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया था। दोस्तों, बॉबी फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। इसे देखने के लिए गांव और कस्बों से शहरों के थिएटर तक विशेष बसें चला करती थी, जिन्हें बॉबी बस कहा जाता था। बॉबी फिल्म लंबे समय तक चली, इसने राज कपूर के दिन बदल दिए। दोस्तों, कभी राज कपूर और प्राण काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बॉबी फिल्म के कारण इनका रिश्ता खराब हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि इस फिल्म के बाद दोनों की दोस्ती टूट गई और फिर प्राण और राज कपूर ने कभी साथ काम नहीं किया। राजा, मैंने पूछा कहाँ गए थे? आप जानते हैं मैं कहाँ गया था? दोस्तों, दरअसल फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर के पिता के रूप में राज कपूर प्राण को साइन करना चाहते थे, लेकिन जिस समय फिल्म बॉबी बनी थी उस समय प्राण की फीस मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की फीस से भी अधिक होती थी। हालांकि उन्होंने राज कपूर की फाइनेंशियल कंडीशन और उनकी मजबूरी को समझा। ऐसे में प्राण ने फिल्म में काम करने के लिए महज एक रुपया का साइनिंग अमाउंट लिया था। हालांकि उन्होंने राज कपूर से यह भी कहा था कि अगर फिल्म हिट हो जाती है तो राज कपूर उन्हें उनकी पूरी फीस दे दें, लेकिन अगर फिल्म हिट ना हुई तो फिर राज कपूर को उन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बॉबी फिल्म रिलीज के बाद ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ये 1970 के दशक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिट बन गई और अब तक की 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है। दोस्तों, जैसा कि पहले ही तय हुआ था कि फिल्म के हिट होने के बाद राज कपूर को प्राण को उनकी पूरी फीस देनी थी, लेकिन प्राण को राज कपूर स्टूडियो से केवल 1,00,000 रुपए का चेक मिला, जिसके कारण प्राण खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे, क्योंकि उन्हें जितने पैसे दिए जाने चाहिए थे ये उसकी तुलना में बहुत कम था। उन्हें लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, जिसके बाद उनकी दोस्ती टूट गई। फिर प्राण और राज कपूर ने कभी साथ काम नहीं किया। दोस्तों, आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। निर्देशक राज कपूर के अनुसार बॉबी फिल्म के दोनों प्रेमियों के पानी में डूबने से दुखद अंत दिखाना तय था। राज कपूर इस पर पूरी तरह अडिग भी थे, लेकिन वितरकों ने धमकी दे दी कि अगर आरके ने अंत नहीं बदला तो वे डूब जाएंगे। इस प्रकार रोमियो और जूलियट के राज कपूर के संस्करण बॉबी पर एक आनंदमय समापन मजबूर किया गया था। बच्चे माँ बाप के लिए कितने कीमती होते हैं। दोस्तों, बॉबी फिल्म बनकर जब तैयार हो गई तो राज कपूर फिल्म का ऊंचा दाम मांग रहे थे। राजेश खन्ना का दौर था और राज कपूर राजेश खन्ना की फिल्म से 1,00,000 ऊपर दाम मांग रहे थे, इसलिए फिल्म बिक नहीं रही थी। शशि कपूर पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने इसे खरीदा। शशि कपूर ने कोठारी साहब की साझेदारी में दिल्ली यूपी खरीदा और एक वकील हुआ करते थे जिन्होंने पंजाब के अधिकार खरीदे। इस तरह बॉबी फिल्म का थिएटर तक पहुंचने का रास्ता साफ हुआ, पर मुसीबत मुंह बाय फिर खड़ी हो गई। फिल्म में पैसा लगाने वाले हिंदुजा परिवार से अदालत तक की नौबत आ गई। राज कपूर को लगा कि अगर फिल्म हिट होगी तो बाकी जगहों के अधिकार भी बिक जाएंगे, लेकिन हिंदुजा को लगा कि सिर्फ दो जगहों के अधिकार बिकने से पैसा कैसे निकलेगा। दोस्तों, हिंदुजा परिवार ने राज कपूर के खिलाफ हाई कोर्ट में केस कर दिया। रिलीज के पहले राज कपूर ने किसी तरह उनका पैसा लौटा दिया, लेकिन पिक्चर का पहला शो हाउसफुल हो गया और पिक्चर चल पड़ी। उसके बाकी अधिकार भी बिक गए और इंडस्ट्री के लोग फिर से राज कपूर को महान डायरेक्टर मानने लगे। वे लोग भी उनके साथ हो गए जो कहने लगे थे कि राज कपूर निर्देशन भूल गया है। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड फाइल्स की पेशकश में फिल्म बॉबी से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द बॉलीवुड फाइल्स के अगले एपिसोड में हम आपके लिए क्या लेकर आए, ये हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें। आपका जीवन चमत्कृत हो, शुभ हो।